एक भी बंदा ऐसा नहीं जिसको भ्रष्टाचार ना बोला हो। कांग्रेस को सोनिया देंगे, सबसे पहले सबूत दिखा के मैं इसको गिरफ्तार करूंगा, बहुत भ्रष्ट नेता है। आज क्या उसी के पास जा रहा, कहते हैं लोहा को लोहा काटने के लिए लोहे की जरूरत पड़ती है। जिस हिसाब से ये लोग आपस में एक दूसरे का खून चूस रहे ने, इनको मोदी जैसा बंदा होना चाहिए। पांच चीजें फ्री करी कर्नाटक में, पांच चीजों फ्री करने से अब कोई जीतेगा? आप दिल्ली में 6 करो, 6 दिल्ली में, फिर केजरीवाल आएगा, फिर आएगा केजरीवाल। 5% मोदी ने महंगाई कर दी, 90% तो मोदी के ही गुनगा रहे। क्यों? मोदी ने, मोदी जो काम किया है वो इतिहास में कोई प्राइम मिनिस्टर ने काम नहीं किया था। और हर मोदी घर घर मोदी कोई नहीं हटा पाएगा, चाहे कितनी भी जोर लगा ले कोई। पहले मैं भी सहमत थी कि कांग्रेस आना चाहिए, लेकिन जो मैंने मार्केट में देखा उसके हिसाब से मैंने देख लिया कि मोदी के अलावा कोई इन लोगों को कंट्रोल में नहीं कर सकता। यूपी के अंदर सारे जितनी भी कास्ट का आदमी है, योगी से अच्छा चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, कोई अच्छा नहीं है योगी के लिए। अगर कोई सीख लेनी योगी से लो, मोदी आएगा 100%। योगी और मोदी को कोई नहीं रोक सकता कहीं भी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 9 साल जो हैं बीजेपी कार्यकाल बेहाल या बदहाल, क्या कहेंगे? ठीक चल रहे हैं, बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं है, बेहतर, बिल्कुल एकदम ठीक चल रहे हैं। लेकिन मीडियम क्लास, यहाँ भाई साहब थे, भाई साहब काफी नाराज। ऐसा है, मीडियम क्लास का आदमी पहले भी परेशान था, आज भी परेशान है। ऐसा कुछ नहीं है, जो पढ़ा लिखा बंदा है, ग्रेजुएट है, अपनी काबिलियत है, वो गवर्नमेंट की नौकरी, प्राइवेट नौकरी सब पा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस बैठे या केजरीवाल, जब दिल्ली की जनता ने केजरीवाल पे भरोसा करा, कैसा निकला? ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसका उसने रिजल्ट ना दिखा हो, सबका रिजल्ट दिखाया। एक भी बंदा ऐसा नहीं जिसको भ्रष्टाचार ना बोला हो। कांग्रेस को सोनिया देंगे, सबसे पहले सबूत दिखा के मैं इसको गिरफ्तार करूंगा, बहुत भ्रष्ट नेता है। आज क्या उसी के पास जा रहा, क्या नतीजा निकला? उससे पहले वो क्या नाम है आपका, नीतीश कुमार भी, शरद पवार भी, सबकी बुराई करी, आज उन्हीं के साथ ले रखी हो। अगर मैं, हमने दिल्ली की जनता ने उसको ठीक ठाक चुना तो अकेला चले ना। आखिरी सवाल आपसे कि ये जो महागठबंधन है 2024 में कोई अलग देखने को मिल सकता है किसी? अगर मेरे में दम में ठीक ठाक चलूंगा तो अकेला जीतूंगा, मुझे क्या गठबंधन की जरूरत है? जीतने के बाद में गठन बंद करेंगे हम तो। उससे पहले मैं, मेरे में होना चाहिए कि कितनी क्षमता मेरे को जनता को अपने लिए प्रभावित करने के लिए। नहीं है किसी के पास? नहीं, अकेले के बंदे नहीं, अकेला कोई नहीं कर सकता गठबंधन में, अकेला नहीं कर रहा गठबंधन। कांग्रेस को वो समर्थन अध्यक्ष का, कांग्रेस साथ तो नहीं आ रही उसकी, नहीं आएगी, कि उसका उसकी पकड़ ली है कि वो चारों तरफ अगर लाभी आती है तो राहुल गांधी उसकी आगे आगे वही करेगा, केजरीवाल को नहीं करने देगा, आगे मैं चलूंगा, राहुल गांधी बोले। गठबंधन तो और भी पार्टियां हैं, ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार हैं, हमारे एक साथ चल रहे हैं, वो तो चोर चोर मुसरे भाई हो रहे हैं, मैं भी हो जाऊंगा उनके साथ इकट्ठा, ये क्या बदले चलेगा? अगर मेरे में दम हो तो अकेले जीतो, अकेले लाओ और प्रधानमंत्री बनो, अकेले में दम होना चाहिए। वो तो बोल रहे हैं कि कर्नाटका में जीते, भारत जोड़ो यात्रा की बहुत अच्छी वो मिला हमें, आगे भी पांच चीजें फ्री करी है, पांच चीजें फ्री करी कर्नाटक में, पांच चीजों फ्री करने से अब कोई जीतेगा? आप दिल्ली में 6 करो, 6 दिल्ली में, फिर केजरीवाल आएगा, फिर आएगा केजरीवाल। कोई भी चीज फ्री करो, कहीं भी चीज फ्री कर लो, यूपी के अंदर फ्री करो, कोई चीज करके देखो, नहीं आएगा कोई योगी के अलावा। योगी अच्छा, योगी से अच्छा कोई नहीं है। यूपी के अंदर सारे जितनी भी कास्ट का आदमी है, योगी से अच्छा चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, कोई अच्छा नहीं है योगी के लिए। अगर कोई सीख लेनी योगी से लो। हाँ, महंगाई के लिए भी रो रही कोई, या उसके लिए क्या नहीं रोजगार मिलना, वहाँ पे जाके देखो, हर आदमी खुश है वहाँ पे। प्रधानमंत्री योजना जो है, हर चीज फायदा उसको पता चाहिए, योजना ये होती है, फायदा उठा जा रहा है, उसको कहते हैं योजना। अगर आपकी नजरिए से सिर्फ एक शब्द में जानना चाहूँ, 2024 में कौन, किसको? राहुल गांधी। एक ही आदमी है, अगर उसको बीजेपी से सब चीज हटा दो, अगर चेहरा नजर आता आज की डेट में, एक ही नजर आता, वो है मोदी, बस। उसकी कोई आप चेहरा देखो कि प्रधानमंत्री बना के ये चेहरा है, राहुल गांधी। भाई साहब बोल रहे हैं राहुल गांधी, राहुल गांधी। लोग उसे पप्पू कहते हैं, पप्पू नहीं है वो बहुत पढ़ा लिखा माइंड वाला आदमी है, लेकिन उसको सब लोगों ने घुमा फिरा के उसको बॉल बना दिया, बॉल। उसकी कोई समझ पा नहीं रहा, जो वो कहना चाहता है ना उसको लोग समझ नहीं रहे, लेकिन जो जो उसने पहले बोला वही वो हो रहा है। हमें चाहिए सिलेंडर 450 रुपये का, गवर्नमेंट हमें दे रही है 1200 रुपये का, बाकी हम कहाँ से लाएं? पेट्रोल हमें चाहिए 30 रुपये लीटर, जो बाबा रामदेव, लाला रामदेव है, अब वो बाबा रामदेव नहीं है, वो कहता था आदमी को दिया उसने, बाबा रामदेव ने, आप कनखल जाओ, रोजगार देखो कितना है, बाबा रामदेव कनखल में जाके देखो आखिरकार उसने कितनों करोड़ों को वो दे रखा है रोजगार, आप तो, वहाँ पर जाओ ना, आप यहाँ क्या देखा के? ये तो भी दे रखा है, किसकी
एक मिनट, मेरी कंपनी हरिद्वार में और रोजगार तो मैं जैन मंदिर में। दिल्ली में आप दिल्ली की रोजगार, दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल ने भी बोला 10 लाख आपको दिया। ये अब मैं कुछ बोलना चाहता, मैं खुद रोजगार हूँ, ठीक है, बेरोजगार है, रोजगार है आपके पास, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं रोजगार हूँ मैं तो, ठीक है ना। डीएनडी जो है, ये डिफेंस की जो निकली थी, ये पहले बंद थी नहीं, ये दी रोजगार है। अभी कितने दिल्ली में जो अभी रोजगार चल रही है, जो गवर्नमेंट कर रही है, दे रही है ना, दे रही है, रोजगार मिल रहा है, फिर दिक्कत क्या आ रही है, समझ नहीं पा रहा हूँ। दिक्कत जो आ रही है सेंटर की कह रहा हूँ मैं यार, सेंटर की बात आती है, स्टेट की अलग होती है। स्टेट में तो मियां भी बाप होता है, सेंटर की बात करें, सेंटर की जो रजिस्ट्रेशन फीस भरी जाती है 1000 से 100 से लेकर 1000 से 2000 तक भरी जाती है जो रजिस्ट्रेशन फीस, उसका एक निकाल देते हैं, वो निकालने के बाद डेट भी निकाल देते हैं, फिर कैंसिल कर देते हैं उसका। एग्जाम बताइए, नाम बताइए एग्जाम का, एग्जाम क्या, वो तो कोई भी इम्प्लॉयमेंट नहीं, देख लीजिए, कोई भी बोलेगा मुझे 2000 रुपए दिए नौकरी तो आप दे देंगे 2000 नहीं, रजिस्ट्रेशन फीस की मालिक कर रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे, आप जो रजिस्ट्रेशन एग्जाम होगा कोई सर, एग्जाम भी नहीं होता है भाई साहब, कितने कैंसिल हो गए, कितने एग्जाम कैंसिल हो गए। मोदी जी हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे रहे थे लेकिन मिली नहीं, पेट्रोल भी महंगा हो गया, सरसों का तेल हो गया 200 रुपए लीटर, है 140 करोड़ जनता का खून चूस के और 80 करोड़ लोगों को फ्री का दाना दे रहे 5 किलो, लेकिन 5 किलो से क्या होगा। आप क्या कह रही है माता जी, जैसा भाई साहब बोल रहे हैं कि मोदी ने महंगाई कर दी, लगता है एक बात बताइए भैया कि आप कह रहे हो कि मोदी ने महंगाई कर दी, यही पब्लिक 5% मोदी ने महंगाई कर दी, 90% तो मोदी के ही गुनगा रहे, क्यों क्यों गीत गा रहे हैं उसके, कब गा रहे हैं, क्यों आप किसी से पूछ लो 90% मोदी के गीत गाते हैं, अगर मोदी गलत है, कहते हैं लोहा को लोहा काटने के लिए लोहे की जरूरत पड़ती है, जिस हिसाब से ये लोग आपस में एक दूसरे का खून चूस रहे ने, इनको मोदी जैसा बंदा होना चाहिए, मतलब उन्होंने महंगाई, अरे महंगाई मुद्दा देखो देखो पहले एक बात बताइए, महंगाई मुद्दा किसने किया है, अगर सरकार 10% बढ़ाती है पब्लिक तो 100% में बेच रही है, मोदी ने अगर 10 रुपए बढ़ाए तो ये उस 10 रुपए के माल को 100 रुपए में बेच रहे, कौन बेच रहा है, मोदी ने नहीं, ये पब्लिक ने आपस में कर रखा, मोदी का तो सिर्फ नाम है कि भाई मोदी ने महंगाई बढ़ा, इन सब ये है जिम्मेवार, मोदी को हटाना है, ये सब मोदी का बहाना है, बोलिए क्या बोल रहे हैं, क्या बहाना है, बाकी ये सब लोग कह रहा हूँ NRC ब्रिजभूषण, ये सब तो एक बहाना है, असली तो है मोदी को हटाना, और ये जितने ये मेढक सब घूम रहे हैं ना, इनसे कुछ नहीं होने वाला है, 2024 नहीं 2060 तक मोदी ही रहेगा, इतना तो जिएंगे नहीं वो, जो लेकिन फिर भी क्यों हाँ किसी के नहीं, हाँ 600 रुपए हाँ हर चीज में टंगे से है, कुछ नहीं होने वाला है, अरे वो जनता मन बन चुका है, जनता मन बन चुका है, कैसे काम कर रही है मोदी ने, मोदी जो काम किया है वो इतिहास में कोई प्राइम मिनिस्टर ने काम नहीं किया था। भाई साहब बोल रहे हैं महंगाई, देखिए इनसे कश्मीर तो संभला नहीं, एक कश्मीर को तो आजादी दिला नहीं सके 70 साल में, ये क्या करेंगे, हमारे देश की बेटी, सुनो हमारे देश की बेटी पहलवान खिलाड़ी, हमारे हमारा सम्मान करा, हमें जिता के लेकर आए, आज आप क्या कहें भूषण, कौन है भूषण, आज सेना में इतनी सम्मान, आज मैडम किसके राज में हुआ है, ये मोदी के राज में हुआ है, मोदी के राज में मोदी का सिर्फ नाम है, नाम लेते हैं ये लोग, क्राइम ये लोग कर रहे हैं आपस में सब, मोदी का नाम है सिर्फ, हाँ ये जितने भी दुकान बिजनेस मैन है आपस में कर रहे हैं सब, मोदी का लगता है कि हर मोदी कोई नहीं हटा पाएगा, चाहे कितनी भी चोट लगा ले कोई, कोई कारण आप लोगों का कोई कारण होगा, इसलिए ना क्योंकि ये सब लोग है ना, ये सब क्राइम करते हैं, ये आपस में क्राइम करते हैं, मोदी को बदनाम करते हैं, बदनाम मोदी को करते हैं, ये सब जितने हैं ना, ये सब अभी इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं बिहार में, सब बिहार में इकट्ठा होने की, होने वाला कुछ नहीं है, खड़े हो कांग्रेस आदमी क्या था यहाँ पे बताओ आप, रिक्शा क्यों रिक्शा, सुबह ये भी ठेके पे गुजार के इनको पैसे कहाँ से आते, ऐसे कहाँ से आ रहे, बोले महंगाई है, नहीं मानते महंगाई, नहीं है महंगाई, कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं, हम क्या करें, रिक्शा वाले मोदी कहने आ रहा तू 50 रुपए ले किसी से, हर चीज में महंगाई कर दी है, क्या चीज कर, हमें हर चीज में महंगाई कर दी, ऐसे वो हर चीज में पैसे बंद करो ये करो, क्या कर रहे हैं मोदी, मैडम बोल रही है
अरे ये बताइए कितने रुपए पेट्रोल बढ़ा है, कितने परसेंट? लोग तो 10 रुपए के 200 रुपए में बेच रहे हैं, तो मोदी बढ़ा रहा है उनको? ये आपस में बढ़ा रहे हैं, ये आपस में कर रहे हैं, जो भी हो रहा है इन लोगों की वजह से हो रहा है, मोदी को बदनाम कर रहे हैं। तो ये बेरोजगारी के बारे में क्या कहेंगे? बेरोजगारी कुछ नहीं है, आप बताइए। जब ये मार्केट में कुछ परचेजिंग करने जाएगा, 100 का माल 500 में मिलेगा पब्लिक की जेब से, तो ये खींच रहे हैं पैसे, तो फिर क्या खरीदेगा? महंगाई कहाँ से क्यों नहीं होगी? तो ये खुद कर रहे हैं महंगाई को, मोदी का नाम कर रहे हैं खाली बदनाम। दोबारा लगता है 2024 में प्रधान 100% आएगा, कोई हटाना नहीं है। योगी और महागठबंधन कर रहे हैं, राहुल गांधी सब इकट्ठे। हाँ क्या झूठ है, सब बकवास है कि जो कह रहे हैं कि ये सब महागठबंधन, पहले भी तो किया था, क्या हुआ? कुछ हुआ? तो इस बार भी नहीं होगा। इस बार तो कर्नाटका जीते बोले, कर्नाटका कुछ भी हो नहीं होगा। एक एक के करने से क्या होता है कि एक कर लिया और बस हो गया? अरे बात तो ये है मैन की, ऐसे लोगों को ना सबक सिखाने के लिए मोदी जैसा होना चाहिए। पहले मैं भी सहमत थी कि कांग्रेस आना चाहिए, लेकिन जो मैंने मार्केट में देखा उसके हिसाब से मैंने देख लिया कि मोदी के अलावा कोई इन लोगों को कंट्रोल में नहीं कर सकता। तो 8-9 सालों में काम किया है कंट्रोल में करने का? कंट्रोल में अब तक ये क्या है कि सिर्फ हम भी ये सोचते थे कि भाई कांग्रेस सही है और मोदी गलत है, लेकिन मोदी के नाम पे जो इन लोगों ने क्राइम बढ़ाया है तो ये खुद भुगतेंगे इसको, और मोदी आएगा 100%। योगी और मोदी को कोई नहीं रोक सकता कहीं भी।